तो मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि एक छोटी सी नोटिस पे आपको हमने यहाँ पे इस वक्त दावत दी, और वो भी माह रमजान के आयाम में, जबकि इस वक्त उपचार का टाइम था और आप सारे लोग जो हैं इस वक्त तरावी के लिए जा रहे थे, लेकिन मैंने जरूरी समझा कि कुछ चीजें आपकी नोटिस में लाऊं और कुछ आपसे शेयर करूं, ताकि जनरल पब्लिक जो है, क्योंकि आप मीडिया के थ्रू हम सबको पहुंच जाते हैं, सबको सबकी नोटिस में हम कोई जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको प्लेस करते हैं। तो एक तो आपका वो शुक्रिया मैं अदा करना चाहता हूँ। अब जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि मैंने यहाँ पे आप लोगों को क्यों दावत दी यहाँ आने के लिए, ताकि मैं आपसे बात कर सकूं, तो कुछ दिनों से और आज बिलखसूस मैं कल से यहाँ आया हूँ, कुछ क्वार्टर्स से मेरी नोटिस में यह आ रहा था कि कुछ क्वार्टर्स या कोई कुछ लोग ऐसे हैं जो इस चीज को यहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट कर रहे हैं या कुछ इस किस्म का जैसे स्केयर जनरेट कर रहे हैं कि यहाँ पे जी ऑक्सीजन की कमी है, यहाँ पे जी रेमडेसिविर की कमी है, यहाँ पे किसी और दवाई की कमी है, यहाँ पे जी और क्या और कुछ प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से जो है जो कोविड रिलेटेड मैनेजमेंट सिस्टम है वो ऐसे प्रोजेक्ट करते हैं कि शायद वो कमजोर है या वीक है, और वो विच कैन नॉट मीट द डिमांड। मैं इसीलिए आपको यहाँ पे बुलाया कि मैं आपको ये चीज वाजह कर सकूं कि इन चीजों में और इन बातों में कोई भी सदाकत नहीं है। ये मेरी बात आप गौर से सुनिए, कोई भी सदाकत नहीं है। और मैं आपको बताऊं कि हमारी यूटी में इस वक्त यहाँ पे 5 टन से इस वक्त हमारे पास जो अवेलेबिलिटी है ऑक्सीजन की, वो हमने 20 टन की अवेलेबिलिटी यहाँ मौजूद है, जो कि सफिशियंट है एक बहुत बड़ी डिमांड को मीट करने के लिए। इसलिए इस बात का किसी को कोई शक और शुभा नहीं होना चाहिए कि ऑक्सीजन के लिए यहाँ पे किसी को किसी किस्म की कोई दिक्कत आएगी या किसी को कोई परेशानी होगी, नंबर एक। नंबर दो, मैं आपको यहाँ पे दूसरा ये भी बताऊं कि हमारी जो J&K की यूटी है, इसका सबसे बड़ा ऑर्डर है पूरी कंट्री में 1,25,00,000 वैक्सीन का जो दिया गया है, सब स्टेट से ज्यादा का ऑर्डर जो है वो हमारी यूटी का है। हमारे बाद जो दूसरे नंबर पे आता है वो यूपी का आता है, इसलिए सबसे ज्यादा वैक्सीन जो आ रही हैं वो यहाँ पे आ रही है। दूसरा, इसमें भी किसी किस्म का किसी को कोई शुभा नहीं होना चाहिए। रेमडेसिविर का जहां तक ताल्लुक है, तो मैं आपको ये बड़े तरीके से वाजिया करूं कि हमारे पास सफिशियंट और एम्पल क्वांटिटी में ये दवा जो है ये मौजूद है, और जिस वक्त इसकी जहां पे जरूरत होती है जहां वो इसको इमीडिएटली वाकगुजार की जाती है। मेरे साथ जो मेरे राइट साइड पे बैठे डायरेक्टर और कुलगाम जिला का एक डिटेल 3-4 घंटे का रिव्यू किया, और उसके बाद लोगों से मिला, सारे PRIs से, रिलीजियस हेड से, सबसे मिलके उनसे बात किया और उनके भी तासुरात जाने, और जो वहां पे भी जो मुझे उन जिलों के लिए जो डिटेल फराहम की गई वहां पे भी किसी किस्म की कोई ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, ना ही कुलगाम में ना ही अनंतनाग में, इसी तरह बाकी जिलों में भी किसी किस्म की कोई कमी नहीं है। और जैसे मैंने बताया कि 5 टन से इस वक्त हमारे पास 20 टन जो है वो ऑक्सीजन अवेलेबल है, जो सफिशियंट है मीट करने के लिए रिक्वायरमेंट को। रेमडेसिविर का भी मैंने आपको बताया कि यहाँ पे किसी किस्म की कोई शॉर्टेज नहीं है, और हमारे पास एम्पल क्वांटिटी में ये दवा जो है ये मौजूद है। एक और दवा का जो अक्सर यहाँ पे जिक्र किया जाता है कुछ क्वार्टर से, टॉमवैक्सलिन कोई दवाई है उसका यहाँ पे बताया जाता है, तो वो जहां तक मैंने पता किया हो चुका है उसके लिए ऑर्डर ऑलरेडी प्लेस किया जा चुका है, वो दवा ऑलरेडी पाइपलाइन में, और कल सुबह तक हमारे पास यहाँ पे वाफिर मिकदार में यहाँ जो है वो अवेलेबल होगी, और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन जहां पे भी जरूरत होगी उस जरूरत के मुताबिक उसकी डिस्ट्रीब्यूशन ऑलरेडी हो रही है, और जो आ रही है उसको फर्दर डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, ताकि किसी किस्म का अगर उसको कभी उसकी जरूरत पड़ी तो वो भी शेल यहाँ पे अवेलेबल होगी। मैं आपको एक और चीज बताऊं, यहाँ पे मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है, तमाम मीडिया से दरख्वास्त है, आप लोगों ने मेरे साथ बहुत देर से काम किया, हमेशा काम किया है, टफ टाइम्स में भी अच्छे टाइम्स में भी, मैं आप सबको जानता हूं, और आपने हमेशा यू हैव ऑलरेडी हैड ए वेरी वेरी फ्रेंडली अप्रोच, और आपने एडमिनिस्ट्रेशन का सही बात के लिए हमेशा साथ दिया है। मेरी आपसे दरख्वास्त यह है कि ये जो गलत किस्म की अफवाहबाजी कोई करते हैं या फैलाते हैं जस्ट टू क्रिएट ए स्केयर, कि लोगों में एक अजीब किस्म का एक स्केयर जनरेट हो जाए कि इस चीज की शॉर्टेज है, उस चीज की शॉर्टेज है, अब पेशेंट्स कहां जाएंगे,
अगर किसी को कोविड हो गया उसको ये चीज नहीं मिलेगी, वो चीज नहीं मिलेगी, इस चीज को इसीलिए मैंने सोचा कि इस वक्त हालांकि एक ऑड आवर है इस वक्त आपको बुलाना, इसीलिए मैंने सोचा आपके साथ बैठ के ये बात करूं ताकि आप इमीडिएटली इसको सारे लोगों की नोटिस में लाइए इस बात को कि यहाँ पे किसी चीज की कमी नहीं है और जे एंड के यूटी इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस विच इज मैनेजिंग द कोविड राइट नाउ द बेस्ट। मैं आपको बताऊं हमारा ऑलरेडी जो पर्सपेक्टिव प्लान भी है और जहां तक हमारा अगर हमने जो कंटीजेंसी प्लान्स भी अपने रखे हैं मैनेजमेंट के लिए, जो एनहांसमेंट कैपेसिटी एनहांस करने का है, इंफ्रास्ट्रक्चर एनहांस करने का है, बेड कैपेसिटी एनहांस करने का है, मैं आपको बताऊं वो ऑलरेडी सारा जो है उसमें भी इस वक्त काम लगा हुआ है। तो अगर खुदा ना खासा इससे ज्यादा भी अगर डिमांड बढ़ती है और अगर प्रेशर आता है तो हम उसको भी जो है उसको भी शोल्डर करने के लिए पूरी तरह तैयार है। मैं आपको आपके माध्यम से मैं एक और चीज आपको बताऊं, मैं कुछ यहाँ पे हेल्पलाइंस के नंबर जो हैं यहाँ पे डिसमिनेट और लोगों तक पहुंचाना चाहता हूँ आपके आपके चैनल्स के थ्रू, ताकि आप उसको अच्छी तरह उसको रिपीट करते जाए लोगों को कि अगर किसी को किसी किस्म की कोई शिकायत हो, कोई क्वायरी हो या काउंसलिंग की जरूरत हो या किसी किस्म का कोई उन्होंने पूछना हो कि कहाँ पे उनका काउंसलिंग सेंटर है, कौन सा उनका सेंटर है जहाँ पे वो जा सकते हैं, उसके लिए राउंड द क्लॉक 24/7 जो है वो हमारी हेल्पलाइंस काम कर रही हैं। इस वक्त आज भी जो हम मैंने उसका जो रिव्यू किया तकरीबन 3,500 जो है उसमें से ऑलरेडी जो क्वायरीज आई उस सबका उन्होंने जवाब दिया है और लोगों को काउंसलिंग करके जहां जिसको जिस किस्म की भी रिस्पॉन्स की जरूरत थी उनको मिला है। ये नंबर आप मैं ये अनाउंस करूंगा, मैं ये पढ़ूंगा ये नंबर आप ताकि इसको लोगों तक पहुंचाए। दो हमारे लैंडलाइन नंबर हैं, एक तो है 245-745-7552, दूसरा नंबर हमारा है 245-7543। इसके अलावा हमारा एक मोबाइल नंबर है जो जिसको आप इस्तेमाल करवा सकते हो और इसको भी आप अनाउंस कर सकते हो, वो नंबर है 6006-3308-6006-3308। मैं आपको बताऊं कि जो यहाँ पे किसी का अगर कोई क्वेरी हो, कुलगाम में जो है वहां पे भी 1000 का फर्स्ट को एक और शुरू हो रहा है, उसके अलावा श्रीनगर में भी आप हमारा जो है यहाँ पे हम एक शुरू कर रहे हैं 1000 सेम कैपेसिटी की। इसकी वजह से जो हमारी ऑलरेडी अगर पोजीशन अच्छी है इसको हम फर्दर स्ट्रेंथन करेंगे ताकि यहाँ पे किसी किस्म की कोई परेशानी किसी को ना हो। तो ये मेरी आपसे दरख्वास्त है। मैं जानना चाहूंगा सर कि पिछले 2 दिन में कितने रेमडेसिविर के इंजेक्शन लगे हैं, कितनी अवेलेबिलिटी थी पिछले 48 घंटे पहले और अभी कितनी अवेलेबिलिटी है, एंड दोज पीपल हु आर क्राइंग फ्रॉम विद इन द हॉस्पिटल्स द मेडिसिन इज नॉट अवेलेबल टू देम, दोनों ही लाइफ सेविंग ड्रग्स रेमडेसिविर भी और द एडिशनल वन भी, आर दोज कॉल्स फेक, आर दोज पीपल फेक फ्रॉम विद इन द हॉस्पिटल्स हु आर क्राइंग फॉर द अनअवेलेबिलिटी ऑफ द मेडिसिन? बताइए। उनकी डेली रिक्वायरमेंट 150 के करीब आती है, 2 दिन का स्टॉक अभी भी उनके पास अवेलेबल और सुबह तक यहाँ पे ये फ्लड हो जाएगा इन चीजों से। सर फिर अटेंडेंट हमें कॉल क्यों करते हैं? डिस्टर्ब कॉल आ रहे हैं हमें कि ड्रग्स अवेलेबल नहीं है, डॉक्टर्स आर सेइंग दैट विल बी अवेलेबल, बट आई आस्क्ड फॉर पास्ट 2 डेज बिकॉज़ वी हैव बीन गेटिंग नंबर ऑफ कॉल्स टू मी, इट्स नॉट हियर सर, आई हैव इवन कॉन्टैक्टेड डायरेक्टली। नाउ जस्ट लिसन टू मी, यू हैव मेड योर पॉइंट, नाउ जस्ट लिसन टू मी, इफ यू हैव अ स्पेसिफिक क्वेरी विद रिगार्ड टू द नंबर ऑफ remdesivir vials available in different hospitals, you can immediately contact the person and he'll elaborate on that. That's one thing. Number two, I must tell you that I have at the very outset I pointed out that certain people with certain vested interests also are, it has come to our notice. We are in the process of verifying these things. In the process of verification, kuch log janbujh ke आर्टिफिशियल स्केस्टी का जो है ये यहाँ पे बताना चाहते हैं ताकि एक स्केयर जनरेट हो, वेयर एज इट इज इनकम्बेंट अपॉन यू कि आप इसको कॉग्निजेंस ले इस चीज का, एट द सेम टाइम इट इज ऑल्सो इनकम्बेंट अपॉन यू टू फर्स्ट वेरीफाई फ्रॉम द कंसर्न मेडिकल फ्रेटर्निटी एंड द टेक्निकल पर्सन हु आर सिटिंग हियर फ्रॉम द डिविजनल एंड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सो दैट दे कैन प्रोवाइड यू
a full insight into the matter with regard to the availability of the drugs and whether it, and at what stage this is actually required. So please, my request to you is that you might be getting different frenetic calls also, different calls from different quarters also. I don't know. But you please verify it. देखिए मैं आपको बता रहा हूँ दैट इज वाई ऑल्दो आई वाज नॉट सपोज टू शेयर दिस थिंग विद यू जे एंड के हैपन्स टू बी द यूटी पूरी कंट्री में जिसने सबसे बड़ा ऑर्डर प्लेस किया है 1.25 करोड़ वैक्सीन का सर वो मई के बाद आया नहीं भाई आप या आप जस्ट मिनट Either you answer your own question or you just listen to me. Time will tell कि आप ठीक बोल रहे हो या मैं ठीक कह रहा हूँ. अब just a minute. अब मैं आपको बता रहा हूँ 1.25 करोड़ का जो ये है सबसे बड़ा ऑर्डर है इस वक्त कंट्री में एंड दिस इज ऑलरेडी बींग डिस्पैच ऑलरेडी इट हैज बीन डिस्पैच एंड यू विल सी दैट अग्रेसिवली दिस वैक्सीन कैंपेन एट डिफरेंट प्लेसेज इन ऑल द डिस्ट्रिक्ट इट विल बी लॉन्च From tomorrow, from day after tomorrow, it hoga. Or isko, we are committed to complete this vaccination drive as early as possible. But sir, why I am asking you about the statistics is precisely because... Go peeche se bhi bol. Khan sahab, anybody can tell us that what is the number of ICU beds available in Kashmir right now and what is the number of oxygen beds we have? Main batata hun. मैं स्पेसिफिक बताता हूँ 1600 बेड ऑक्सीजन सप्लाईज के कश्मीर के 20 हॉस्पिटल्स में अवेलेबल है और उसकी जो टोटल रिक्वायरमेंट है पर डे को अगर 1600 लोगों को ऑक्सीजन अगर सप्लाई करना है तो 3.26 करोड़ एलपीएम ऑक्सीजन की हमें जरूरत है 3.26 करोड़ लीटर पर मिनट ऑक्सीजन की जरूरत है हमारे पास आज की अवेलेबिलिटी जो है 5.43 करोड़ लीटर पर मिनट अवेलेबिलिटी है हम इस बेड कैपेसिटी को 1600 से 2500 तक आने वाले 5 दिन में ले जा रहे हैं जहां तक रहा आपने जो वेंटिलेटर्स बेड्स की बात की 111 वेंटिलेटर बेड्स अभी अवेलेबल है वेंटिलेटर्स हमारे पास और भी मात्रा में अवेलेबल है उसके लिए जो क्रिटिकल मैन पावर रखता है वो हम हायर कर रहे हैं आईसीयू बेड्स ऑलरेडी इफ द नीड अराइजेस मैं आपको बताऊं कि राइट नाउ ये डिटेल्स दीज डिटेल्स यू कैन हैव फ्रॉम द कंसर्न्ड हु आर विद मी यहां पे हमारे पास ऑलरेडी है एंड दिस इज ए वेरी डायनेमिक सिचुएशन और जितने बेड्स हैं उसको फर्दर सुबह तक हम इंक्रीज करके और ज्यादा बढ़ रहे हैं ऑक्सीजन कनेक्टेड बेड्स जो है इसलिए इस वक्त हमारे पास काफी ऑलरेडी और ज्यादा भर चुके हैं उसकी उसको रिसीव करने के लिए अगर कोई जरूरत पड़ी जहां तक आप एक सेकंड जहां तक रेमडेसिविर का ताल्लुक है तो मैं एज एडवाइजर आपको यहां पे बता रहा हूं कि हमारे पास इसकी कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे और हमारे पास ये एम्पल क्वांटिटी अवेलेबल है ताकि किसी को इस अगर कभी ये जरूरत पड़े भी तो उसको हम इमीडिएटली प्रोवाइड कर सकते हैं ऑल्दो ये जो रेमडेसिविर है जैसे डॉक्टर साहब आप जरा इन पे थोड़ा सा इसमें लाइट दीजिए कि क्या वेदर दिस रेमडेसिविर जो है इसका क्या फंक्शन और कब ये जरूरत आईसीयू बेड्स ऑलरेडी इफ द नीड अराइजेस देखिए मैं आपको बताऊं कि राइट नाउ ये डिटेल्स दीज डिटेल्स यू कैन हैव फ्रॉम द कंसर्न्ड हु आर विद मी यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी है एंड दिस इज ए वेरी डायनेमिक सिचुएशन और जितने बेड्स हैं उसको फर्दर सुबह तक हम इंक्रीज करके और ज्यादा बढ़ रहे हैं ऑक्सीजन कनेक्टेड बेड्स जो है इसलिए इस वक्त हमारे पास काफी ऑलरेडी और ज्यादा भर चुके हैं उसकी उसको रिसीव करने के लिए अगर कोई जरूरत पड़ी जहां तक आप एक सेकंड जहां तक रेमडेसिविर का ताल्लुक है तो मैं एज एडवाइजर आपको यहां पे बता रहा हूं कि हमारे पास इसकी कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे और हमारे पास ये एम्पल क्वांटिटी अवेलेबल है ताकि किसी को इस अगर कभी ये जरूरत पड़े भी तो उसको हम इमीडिएटली प्रोवाइड कर सकते हैं ऑल्दो ये जो रेमडेसिविर है जैसे डॉक्टर साहब आप जरा इन पे थोड़ा सा इसमें लाइट दीजिए
कि क्या वेदर दिस रेमडेसिविर जो है इसका क्या फंक्शन और कब ये जरूरत है। ट्रिपल थ्री में और एक थ्री जोड़